न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल पर आप सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज एनडीएस के अनुभव लेकर हमारे बीच आई है मांगरौर तालुका की सील में रहने वाली नीता बहन जी। तो नीता बहन से बहुत एनडीएस के सुंदर अनुभव हैं और आज उनको देख के ही भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। कितने लोगों को उन्होंने भी चालू करवाया है एनडीएस, तो उनसे थोड़ा सा परिचय लेंगे और एनडीएस क्या है, किस तरह करती हैं वो जानेंगे उनसे। तो आपका पूरा नाम बताएंगे दर्शकों को। नीता बहन रमेश भाई चुडासमा, अच्छा, आपकी एज कितनी है? एज, आयु? वर्ष 40 वर्ष। और एनडीएस से कितने समय से जुड़ी हुई हैं? 5 महीने से। 5 महीने से आप एनडीएस कर रही हैं, बहुत अच्छा। और एनडीएस के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे मेरी बेटी और नणंद की बेटी दोनों करती थी और उसके पता चला और जिग्नेश भाई से एनडीएस का बजे से सिस्टम मालूम पड़े। अच्छा, ओके, तो उनसे आपको ये सब पता चला, बहुत अच्छा। तो एनडीएस में आप जुड़ी, तो किस वजह से जुड़ी और क्या आपके कोई तकलीफ बदन में या कुछ भी, तो उसके बारे में बताइए दर्शकों को। हाँ, मेरे वजन भी पेट पे बहुत ज्यादा था और कितना घुट कितना केजी था वजन? मैं 90 केजी वजन। 90 के। हाँ, अच्छा, और और घुटने का दर्द भी बहुत था और श्वास भी बहुत फूलती थी, अच्छा। इसीलिए ये सिस्टम अपनाया और उससे बहुत फायदा भी हुआ। वेट भी कम हुआ 20 किलो। 20 किलो वेट कम हुआ, हाँ, और घुटनों का दर्द भी कम हुआ कम और हुआ। श्वास भी नहीं फूलती। अच्छा, कितने प्रतिशत कम हुआ घुटनों का दर्द? 90% के 90% आसपास हुआ। आसपास दूर हुआ है, बहुत अच्छा। आपके इसके पहले कोई दवाइयाँ चलती थी इसके हाँ, घुटनों? पहले दवाई करती थी बहुत की दवा, वेट लॉस करने के लिए भी दवा की थी और अच्छा, घुटनों के भी कोई फायदा नहीं हुआ कितने इसमें। सालों से 2-3 साल से कर रही थी कर रही थी? दवा। अच्छा, और दवा से थक चुकी थी कि अभी दवाइयाँ कितनी करेंगे। तो ये जो रास्ता मिला उसमें आपको कोई खर्चा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ खर्चा नहीं, बिगर दवाइयों के हाँ, और वगैरह बिगर दवाई। खर्चों के आपने ये परिणाम प्राप्त कर लिया। जो 90 केजी वेट था तो वेट भी आपने अच्छा खासा कम कर लिया है, 20 केजी। और तो आप इस सिस्टम में सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हैं आज के समय में? मैं पहले उठकर उपवास करती हूँ, उपवास हाँ बाद में 2-4-5 घंटे जो मिलता है उसने उपवास कर लेती हूँ। बाद में ग्रीन ओके जूस पी के फिर दोपहर को कच्चा खाती हूँ सलाद, ओके ने शाम को पका हुआ खाना खाती हूँ वो भी 2 महीने बाद में। हाँ, अभी 2-3 महीने से कच्चा हो रहा जूस। अच्छा, आप 3 महीने से सिर्फ कच्चा ही खाती हाँ, हैं, कच्चा। कच्चा ही लेती हैं भोजन जो कुदरत ने दिया है, प्राकृतिक आहार। हाँ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं कुछ भी नहीं, अच्छा लगता अच्छा लगता है। है खाने में। अच्छा, तो आप पका हुआ भोजन हम इस एनडीएस में एक टाइम ले सकते हैं, लेकिन कई लोग जो अच्छे साधक हैं एनडीएस के वो पूरा दिन भी कच्चे के ऊपर रहते हैं। तो आपको जो घुटनों का दर्द था तो उसमें कामकाज में भी कैसा फील करती हो तब? अब बहुत हम फील होता है, अच्छा फील होता है, काम करने में भी बहुत मजा आती है। बाद में पहले तो मैं काम कर भी नहीं सकती थी इतना, खेती का और घर का, अब बस सब कुछ काम करती थी हूँ, खेती का बरोबर, घर का, नौकरी हाँ भी करती हूँ, उसमें भी बहुत मजा आता है। बाकी ऊपर नहीं, पहले तो बहुत घुटन का दर्द था ना हाँ तो नहीं हाँ कर सकती थी इतना काम, अब अच्छा, बहुत जो फायदा हुआ इसमें। बरोबर है। तो आप दूसरों लोगों को एनडीएस के बारे में बताती हैं? हाँ, दूसरों को भी बताए और करते भी है इंडियस। दूसरे लोग भी करते हैं आपके बताने से, मतलब आप तप भी आपने किया है और सेवा भी कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो पहले आपको घुटने में बैठने में भी कोई दिक्कत आती थी? हाँ, बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत आती थी, जमते जमने बैठे तो भी हाँ, नहीं, पग सीधा करके बैठने पड़ता अच्छा, था। आज अभी हाँ बैठ आराम सकते, आराम से से बैठ पलाठी सकते। लगा के भी बैठ हाँ, सकती है, पलाठी लगा के। बरोबर है, बहुत अच्छे आपको परिणाम मिले हैं। और आप एनडीएस में हम पूरा दिन कच्चा ही लेते हैं, तो कहीं जाना आना होता है तो वहाँ आप क्या करती है? क्या एनडीएस छोड़ देती हैं? नहीं, जाना होता तो भी वहां भी एनडीएस तो चालू रखती हूँ, एक पका हुआ भोजन शाम को लेती हूँ,
बाहर जाना पड़ता है तो, बाकी घर पे तो बचा है खाना। अच्छा, तो आप पूरा घर संभालती है, खेती बाड़ी का काम भी कर लेती है और नौकरी भी करती हैं शायद, तो इतना काम संभालते हुए भी अच्छी तरह से एनडीएस करती हैं। आज के लोगों को कई बार ऐसा होता है कि हम इतने इतने काम करते हैं तो ये एनडीएस हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप सभी के लिए श्रेष्ठ उदाहरण हैं कि आप कुछ भी करो, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, जिनको इस राह पर चलना है तो वो अपनी चाह के अनुसार अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस अपनी एनडीएस की यात्रा, जीवन यात्रा लोगों के बीच शेयर की और दूसरे लोगों को भी इससे कई प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।